आज की वीडियो में आपको शिल्पा शेट्टी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने पिछले कुछ समय में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। राज कुंद्रा के ऑब्सीन वीडियो केस में अरेस्ट होने के बाद शिल्पा शेट्टी काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं, जिसके कारण उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। मगर अब शिल्पा शेट्टी इस सब से बाहर निकल रही हैं और वो पॉजिटिवली अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ रही हैं। शिल्पा का सुपर डांसर 4 में बहुत ही इमोशनल कमबैक हुआ, जहां पर उन्हें बहुत वार्मली वेलकम किया गया। शिल्पा ने कंजन पूजा भी की और गीता ने उन्हें राखी भी बांधी। शिल्पा ने अपनी 2 न्यू पोस्ट भी शेयर की हैं, जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा स्लैम किया जा रहा है और राज को लेकर शिल्पा को काफ़ी बातें सुनाई जा रही हैं। नेटिजन्स का यही कहना है कि शिल्पा को क्यों छोड़ा हुआ है, वाई पुलिस इज़ नॉट अरेस्टिंग हर। काफ़ी लोगों का राज के बारे में भी यही कहना है कि राज भी बहुत जल्दी छूट जाएंगे और उन्हें भी कुछ नहीं होगा और ना ही कोई सज़ा मिलेगी। शिल्पा शेट्टी अपनी न्यू पोस्ट के थ्रू ट्रोलर्स को ही काफ़ी एंग्री रिएक्शन दे रही हैं। शिल्पा ने कैप्शन में भी यही लिखा, देयर इज़ नो फोर्स मोर पावरफुल देन अ वुमन डिटरमाइंड टू राइज। शिल्पा शेट्टी हमेशा ही नारी शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और वो अपने बच्चों के लिए भी उठ खड़ी हुई हैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए। शिल्पा अपने और अपने बच्चों के लिए पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं और बहुत से लोग अब उन्हें सपोर्ट भी करने लगे हैं। मगर शिल्पा शेट्टी अब पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और राज के बाद अब वही हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगी और उनके लिए कुछ भी कर दिखाएंगी। हमें भी शिल्पा को सपोर्ट करना चाहिए। आपको शिल्पा शेट्टी के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।